गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th, चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी तक आपने सिलेबस आप सभी जानते हैं और पहले ही मैं सिलेबस दे चुका था आपको, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम इसको पढ़ नहीं पाए। तो चलिए, आज हम पहला टॉपिक द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th का पहला यूनिट है, और ये एक छोटा सा यूनिट है, छोटा पहला चैप्टर है, यूनिट तो काफ़ी बड़ा है। सो लेट अस टेक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपने अच्छी तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत सी क्लासेस में आपने पढ़ा है और बहुत सारे आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। इट इज़ द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर? नाउ व्हाई दे आर सिमिलर? सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है, उनका डीएनए कंटेंट, जिसे हम जेनेटिक मेकअप कहते हैं, बिल्कुल सेम है, हम वैसे का वैसा ट्रांसफ़र करते हैं और बहुत ही कम चेंजेस होती हैं। सो इसलिए हम कहते हैं सिमिलर। अब रिप्रोडक्शन जो है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं और अगर मैं क्लास में होता तो मैं आपको ज़रूर पूछता, लेकिन यहाँ जैसे हम पढ़ रहे हैं तो लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई रिप्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड। अब क्यों रिक्वायर्ड है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, अपने स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को आगे लेकर जाना है। आज से 1000 साल बाद भी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस अपने स्पीशीज को देखना चाहेंगे। सो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। और अगर आप देखें, अगर आप ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ हम एक जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ सबसे पहले जो एरा आता है प्रोटेरोज़ोइक एरा आता है, आर्कियोज़ोइक एरा आता है, इसी तरह से बाकी एरास आते हैं। वहाँ पर जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमंस जो हैं वो सीनोज़ोइक एरा में आए, मॉडर्न एरा जिसे हम कहते हैं। तो वो मॉडर्न एरा जो है वो वहाँ से लेकर और आज तक 21st सेंचुरी तक कई बिलियन ईयर्स हो गए। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज है, ह्यूमंस वहाँ से लेकर आज तक चल रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, रिप्लेसेस ओल्ड वॉर्न आउट स्पीशीज विद न्यू हेल्दी वंस। अब फिर से वही बात करेंगे कि मॉडर्न एरा से लेकर 21st सेंचुरी तक आज क्या हो रहा है, नई स्पीशीज बन रही हैं और पुरानी स्पीशीज निकलती जा रही हैं, और वो इसलिए होता जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई देखिए, पुराने हो गए, एज हो गई, इंसान की डेथ हुई, नया ऑर्गेनिज्म, उसने अपनी जीन्स अगले अपने बेटे या बेटी को ट्रांसफ़र की, उससे आगे जनरेशन चल पड़ी। तो इस तरह से क्या है, नई जनरेशन आती है और पुरानी चली जाती है, तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रिप्रोडक्शन जो है हमारी अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, लाइफ को सपोर्ट करता है ये, नेचुरली हम सभी जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है वो है वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन अमंग इंडिविजुअल्स। अब वेरिएशंस क्या है, देखिए यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएशन एवोल्यूशन। अब वेरिएशन और एवोल्यूशन क्या है, अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो वेरिएशन के बारे में हम कहते हैं कि एक इंसान अपने जीवन काल में, अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ पीरियड में, लाइफ स्पैन में वो कुछ चेंजेस करता है, वो कुछ चेंजेस लाता है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी में लाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लाता है, वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, वो वेरिएशंस कहलाती है। अब ये वेरिएशंस आगे पास होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बाद की बात है, ये हम आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे इसकी, लेकिन एवोल्यूशन तो होता ही है। इट इज़ मॉडिफिकेशन विद टाइम, मॉडिफिकेशन विद टाइम, समय के साथ। आज एक बच्चा पैदा होता है, आज 21st सेंचुरी पे पैदा हो रहा है, तो वो पैदा होते ही
उसके 2 महीने बाद जब उसे होश आती है तो वो शायद माँ माँ कम करता है, मोबाइल मोबाइल ज़्यादा करता है, क्योंकि वो मोबाइल की तरफ, आज जो नया गैजेट है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उसको। तो ये चेंज है। हमारे समय में हमें लोग एक हाथ में खिलौना देते थे, हम उसी से खेलते थे, तो वो एक समय है। सो रिप्रोडक्शन भी क्या है, समय के साथ चेंजिंग है, इवोल्यूशन है, वेरिएशंस है, और वो किस में आ रही हैं, इंडिविजुअल्स में आ रही हैं। अंडरस्टैंड? नो, लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहाँ पर हमारे पॉपुलेशन का एक रेट है, यंग पॉपुलेशन कितनी है और ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है, हमने ये चीज़ें देखनी है। उसमें जुवेनाइल कितने हैं, उसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले कितने हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव एज वाले कितने हैं, उसमें ओल्ड एज वाले कितने हैं। तो ये पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और रिप्रोडक्शन ये तय करता है। तो हमने ये 5 पॉइंट्स देखे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बहुत बार पढ़ी है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल टाइप्स। अब ए सेक्शुअल क्या है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और अगर ए सेक्शुअल की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो आती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की है, कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत बार नीट एग्ज़ाम में भी आता है और आगे कॉम्पिटिटिव में भी आता रहेगा, ये सिंगल पेरेंटल डिवीज़न है। सिंगल पेरेंटल का मतलब है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। यहाँ पर किसी भी तरह के गैमेट की फ्यूजन नहीं होती है। हालांकि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, आप देखेंगे जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, यहाँ हमने ये कहा है देयर इज़ सिंगल पेरेंट डिवीज़न विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, जबकि बहुत जगह आप देखेंगे कि सिर्फ यही लिखा होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है विद और विदाउट, और इसको जब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा हम इस कहानी का जो तात्पर्य है, इस कहानी का जो जवाब है, हम वो आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर लेंगे। लेकिन अभी एक हिंट मैं ज़रूर दे देता हूँ कि अगर हम जब स्पोरुलेशन देते हैं, व्हेन देयर इज़ स्पोर फॉर्मेशन, चाहे वो जू स्पोर्स होते हैं फंगस में बनते हैं, चाहे वो क्लेमाइडियो स्पोर्स बनते हैं, एंड इफ़ यू सी दो जू स्पोर्स आर बेसिकली द माइन्यूट स्पर्म बॉडीज, फ्लैजिलेट सेल्स होते हैं। तो वही फ्लैजिलेट सेल्स जो है आगे जाके बड़े होकर क्या बनते हैं, फंगस का रूप धारण कर लेते हैं। तो यीस्ट जो है वो भी इट्सेल्फ एक्ट एज ए गैमीट, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसलिए कुछ ये ऐसी एग्जांपल हैं जिनको लेकर हमें ये कहना पड़ता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम सिंगल पेरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, एंड इसीलिए लिखा गया है देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, बहुत ही एक बहुत बार टर्म आती है ये ऑब्जेक्टिव्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ए गैमोगैमी, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब तीसरी बात, ये बहुत ही तेजी से चलने वाली डिवीजन है, इट्स अ रैपिड मोड ऑफ डिवीजन। रैपिड मोड ऑफ डिवीजन नेचुरली हम देखते हैं कि ये बहुत ही जल्दी से मल्टीप्लाई करती है। अगर आप प्लाज्मोडियम का रेट देखें या मलेरियल पैरासाइट का देखें, जहाँ स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, तो स्पोरोजॉइट्स जो है, एक स्पोरोजॉइट जो है जब ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो वो लगभग एक स्पोरोजॉइट 1,000 पैरासाइट्स की उत्पत्ति करता है, उसको बर्थ देता है। तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कितना ज़्यादा है। सो रैपिड मोड ऑफ डिवीजन है और बहुत जल्दी से हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो चौथा पॉइंट हमने लिखा है,
देर इज नो रोल ऑफ मेयोसिस, याद रखिएगा, ओनली माइटोसिस, ओनली माइटोसिस डिविजन इज देयर, यहाँ मेयोसिस का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर एक और पॉइंट हमने लिखा है, एक और अगर आप यहाँ देखें जहाँ मैं टिक लगाया है, ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देमसेल्व्स एंड देयर पेरेंट्स। अब हम ये वो जो रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन दी थी, कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स अब फिर से क्लियर होना शुरू हो गया है कि ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फोलॉजिकली मीन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली, अब मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी आती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी आती है, जेनेटिकली दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, एंड दे आर इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स यानी वो मैच्योरिटी से जाने से पहले, बिफोर मैच्योरिटी